2023 सभी का नमस्कार, वेलकम मारवाड़ी माइग्रेंट्स के साथ। राजस्थान हमारो राजस्थान राज आज हम जा रहे हैं जैसलमेर टू जैसलमेर में है इंटरनेशनल फेयर। तो हमारा हो गया सामान पैक, साथ में है नवीन जी के माता जी पिताजी। तो इसी के साथ ये जर्नी स्टार्ट होती है जैसलमेर इंटरनेशनल फेयर। क्या क्या होता है, कैसे जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, बाई रोड जा रहे हैं, बाई कार। जैसलमेर जाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे ट्रेन है, प्लेन है, बाई रोड भी आप जा सकते हैं खुद की कार लेके। मैं आपको ट्रेन सजेस्ट करूंगा। तो बालेसर के पास में रुक के पियेंगे चाय। ट्रेन आपको मिलेगी जोधपुर से, जो कि सारी जगहें से कनेक्टेड है। सीधा दिल्ली से भी आ सकते हैं, सीधा बॉम्बे से भी आ सकते हैं, और लेकिन जोधपुर होके ही जाती है। ये हो गया हमारा डीजल फुल, ये आया है 3550 रुपये का, 37.65 लीटर। अब यहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं सीधा जैसलमेर रुकेगी गाड़ी। बीच में मरु महोत्सव पोखरण में आपका हार्दिक स्वागत है। फरवरी 2023 हम पहुँच चुके हैं पोखरण में। हमने गाड़ी रोकी नहीं है, उनको पहुँचते बजाएंगे रात के 10। जैसलमेर शहर आगे पन्नोट माता 122 किलोमीटर। वेलकम तो जैसलमेर पूरा सजा हुआ। जोधपुर से शाम को 5 बजे निकलने के बाद सीधा हम बीच में रुके, चाय वगैरह पी, सीधा पोखरण भी नहीं रुके, और सीधा रात को 10 बजे के 5-10 मिनट पहले पहुंचे जैसलमेर। हमने ली धर्मशाला भाटिया बगैची, ओनली अंकल आंटी रुके धर्मशाला में, मैं रुका अपने भैया के यहाँ जैसलमेर में। हमने ली है भाटिया बगैची, जो है 500 रुपये की डबल ऑक्यूपेसी विद अटैच लेटरिन बाथरूम। गर्म पानी यहाँ पे मिलता नहीं है कमरे में, गर्म पानी आपको नीचे से लेना पड़ेगा। ये है भाटिया बगैची। गाइस रूम ले लिया है, बाकी की इंफॉर्मेशन मैं आपको कल बताता हूँ सारी। अब आ रही है नींद घर पे जाके। तो रात को अंकल और आंटी जी को ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा पहुंचा अपने भैया के पास, और अब आए हैं सुबह नाश्ता करेंगे। यहाँ से निकलेगी शोभा यात्रा, माइग्रेंट्स डे फर्स्ट ऑफ जैसलमेर टूर मरु मेला। यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा का करेंगे दर्शन। ये हमारे साथ में आंटी जी और अंकल विदेशी पर्यटकों के डांस के साथ ही यहां महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। राजस्थान हमारो राजस्थान राज। भारतीय सेना के द्वारा की गई तैयार ऊंट की सवारियां, जो कि आपको देखने को मिलेगी, और इसी के साथ कई विदेशी पर्यटकों ने भी इस झांकी का बहुत ही खूबसूरत लुत्फ। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि हमें एक सपोर्ट जरूर मिल सके। हमारा कल्चर।
तो किले से रवाना होकर जाके आई है शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, जो कि है जैसलमेर में ही है। यहाँ पर मिस मूमल और मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता होगी। शर्मा जी, आप यहाँ पे मेले में क्या बने हैं? जनरल चैपलेन। और आप क्या बने हैं भाई साहब? सेनापति। ये सेनापति बने? किसके सेनापति बने? लोग हमको पीके पीके बुलावत है सर जी। ये है पीके भाई साहब। कौन अपना है और कौन पराया है, हर तरफ बेवसी का साया है, और भूख के मारे चकरा गिर पड़ा तो लोग कहते हैं पीके आया है। लोग हमको पीके पीके बुलावत है सर जी। जब हम तो इसके बाद ही मिस टीना डाबी, जो कि है कलेक्टर जैसलमेर, उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। ये देखिए, यहाँ पे विदेशी लोग आके फोटो खींचते हैं गरीब आदमी की। लिटिल बिट टाना, थोड़ा सा घूम जाइए। अपनी मूंछों और तलवारों को ताव देते मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी। आपका? मेरा नाम रवि खत्री है। रवि खत्री जी आए हैं यहाँ पे अपने मूंछों का प्रदर्शन करने के लिए। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? गिसुलाल। मेरा नाम पोकर लाल सोलंकी है, पाली जिले से हूँ। नकुल कश्यप नाम है मेरा, बराबर सोजे सिटी मेहंदी नगरी से। आपका शुभ नाम? मजा। शुभ नाम दिनेश माली है, पाली जिले से। पाली जिले से, तो दो पाली जिले से आए हैं और यहाँ पे अपने मूंछों का प्रतिभागी करना आए हैं। ये देखिए, सारे मूंछों का प्रतिभागी है। अभी थोड़ी देर में आपको देखिए, इतनी मान मनोहर अनुमय मिले, इतना प्यार से आमंत्रण तो कहीं नहीं मिलता जितना हमारे राजस्थान में है। भारत माता की। तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट होगी साफा बांधने की प्रतियोगिता, जो कि विदेशी पर्यटकों के साथ होगी। हाथ का समय शुरू हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति साकार हो रही है शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के वन महोत्सव के दौरान। विदेशी पर्यटकों ने साफा बांधकर बहुत ही आनंद लिया। सभी विदेशी पर्यटक बहुत ही उत्साहित थे और इसके बाद होगी मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल की प्रतियोगिता। तो मूंछ नहीं बात है सा, मूंछ में भी बात है। तो मूंछों की किस्से कहानियां हमने सुनी, अब आते हैं हम सौंदर्य की तरफ, खूबसूरती की तरफ। सभी प्रतिभागियों ने सज धज कर बताया कि राजस्थानी कल्चर कैसा होता है, साथ सजावट कैसी होती है। इन सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इनमें से कोई एक मिस मूमल दिखेगी। राजस्थानी कल्चर का होता है कि आर्ट उसको ज्यादा मानते हैं। आर्ट पहना है मैंने, फूसी पहनी है, उसके ऊपर एक मादलिया बोलते हैं वो पहना है, और चंद्रहार और माला जिसे रामनवमी भी बोला जाता है, ये सब पहना जाता है। मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल का सम्मान और उनको शील्ड प्रदान करते हुए कलेक्टर साहिबा मिस टीना डाबी। स्टॉल्स लगी हुई है, स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के थ्रू एक कोई स्टॉल है और इसके साथ में ही चाय मिल रही है, जो कि यहाँ पे व्यवस्था
नॉन टिकट यहाँ पे विदेशी लोग भोजन का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया सभी ने। फोटो एग्जीबिशन, यहाँ पर कई तरह के फ्री हैंड स्केच और जैसलमेर की कई पुरानी तस्वीरों का प्रदर्शन किया गया, साथ में कई तरह के क्ले आर्ट भी बनाए गए, जिसमें जैसलमेर की कलेक्टर महोदया श्रीमती टीना डाबी का क्ले आर्ट भी बनाया गया। तो मिस मुमल प्रतियोगिता और आदि की प्रतियोगिता को कवर करने के बाद हम आ गए हैं बाहर। अब करेंगे पेट पूजा, लंच और पुष्करणा लॉज। मैं आंटी जी और अंकल जी, 130 रुपए की थाली है फुल प्लेट। लंच करने के बाद हम करेंगे भैया के घर पे रेस्ट और शाम को वापस चलेंगे। तो हम आ गए हैं लंच करके भैया के घर पे। अब ये बनी बजा रहा है, भाभी आ गई स्कूल से और मैं घोट रहा हूँ कॉफी। भाभी जी आएंगे स्नान करके, फिर पियेंगे मस्त जाग वाली कॉफी बनी और भाभी के साथ। बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद हम शाम को वापस जाएंगे शहीद पूनम सिंह स्टेडियम, वहां पर है म्यूजिकल कॉन्सर्ट। ये लो भाभी जी, देखो पूरी लग रही है। मैं कोई टापर थोड़ी हूँ। तो मिलिए हमारे भाभी जी से, ये खुद एक मिस मुमल रह चुकी हैं। इनका नाम है श्रीमती रजनी पुरोहित, जो कि जैसलमेर में ही रहते हैं। ये एक पेशे से टीचर हैं। तो ये है जैसलमेर म्यूजिकल कॉन्सर्ट फरवरी 2023 डेजर्ट फेस्टिवल। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आई सलीम सुलेमान की टीम और कुछ लोकल कलाकारों ने दी परफॉर्मेंस। वेलकम करने के लिए हम ये सब लाइट्स ऑफ कर देते हैं, आपके मोबाइल फोन की जो टॉर्च लाइट है उसे ऑन कर दीजिए। चलो चलो आइए, चलो कुछ सितारे निकालिए, कुछ सितारे हमारे लिए। राजस्थान, जैसे जब हम जैसलमेर आए थे पहले, ये 8 साल पहले की बात है, बहुत ही आज भी बहुत कमाल है, लेकिन पहले थोड़ा और साफ था। मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ गुजारिश है, क्योंकि जैसलमेर हिंदुस्तान की शान है, आप उसको इसी तरह स्वच्छ रखें और इसी तरह हमेशा प्योर और हमेशा दिल भरा रखें। बालम जी मारा, साहब जी मारा, बालम जी मारा, गिरे मेरे राजस्थान हमारो राजस्थान, राजस्थान हमारो राजस्थान।